श्री गोपाल शेट्टी, एक ऐसा नाम जो पिछले कई सालों से मुंबई प्रदेश और देश की राजनीति में गूंज रहा है। बोरीवली की झुग्गी बस्ती से शुरू हुआ गोपाल शेट्टी जी का सफर आज देश के बेहतरीन सांसद तक पहुंच गया है। सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित श्री गोपाल शेट्टी जी का अब तक का सफर आसान नहीं रहा है। इस यात्रा के पीछे त्याग, समर्पण, निस्वार्थ भाव और अंतहीन मेहनत हैं। श्री गोपाल शेट्टी जी आज अपने सामाजिक जीवन में करीब 40 साल से कार्यरत हैं। ना कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि और ना ही राजनीति में प्रवेश करने की कोई मंशा। कभी घर की खस्ता हाल में पढ़ाई छोड़ काम करना पड़ा। एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम शुरू करने के बाद जल्द ही उन्होंने इंजीनियरिंग इकाई शुरू की। अपने मोहल्ले के वे युवा लीडर भी थे। गोविंदा, गणेशोत्सव आदि कार्यक्रमों का आयोजन भी किया करते थे। मोहल्ले की कई समस्याएं जैसे पानी, सड़कें, बिजली इत्यादि उन्हें परेशान करते थे। इन्हीं सारी मुद्दों के समाधान के लिए सीधे अपने तत्कालीन विधायक श्री राम नाइक जी से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उनकी श्री राम नाइक जी से तेज बहस भी हुई। स्वभाव से जिद्दी गोपाल जी कहां पीछे हटने वाले थे। परिणाम स्वरूप बस्ती में काम होने लगे और समस्याओं का हल निकलने लगा। यहीं श्री राम नाइक जी को उनमें जनता के लिए लड़ने वाला जुझारू नेता दिखाई दिया। गोपाल शेट्टी जी को राजनीति में आने का न्योता भी दिया, पर उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी उन्हें बोरीवली भाजपा का सचिव बनाया गया। अपने इलाके में आदिवासियों की समस्या के लिए जब उन्होंने एक विकासक से मुलाकात की, तब उन्हें उस पद की गंभीरता समझ आई और माना कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए इसके जरिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहीं उन्होंने अपने आप को तन मन से सामाजिक जीवन में झोंक दिया और उनके सक्रिय राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। श्री गोपाल शेट्टी जी ने अपना पहला चुनाव नगर सेवक के रूप में लड़ा और जीता। जीवन में कई समस्याओं से गुजरने वाले गोपाल जी आम जनता के परेशानियों से भली भांति वाकिफ थे। नगर सेवक के रूप में आते ही झुग्गी झोपड़ियों और चालियों में रहने वाले लोगों के पानी, बिजली, रास्ते और महानगर पालिका संबंधित कई समस्याएं हल की। आम जनता को कई सुविधाएं उपलब्ध करा के उनकी जीवन को आसान किया। उनके इन्हीं प्रयासों से लोगों ने उनको फिर से दो बार भारी मतों से अपना नगर सेवक चुना। आगे वो मुंबई के उप महापौर भी बने। श्री गोपाल शेट्टी जी के सामने भी क्षेत्र के बढ़ती लोकसंख्या के साथ ही कई नई समस्याएं उभर रही थी, खासकर जल आपूर्ति की। उस पर विशेष ध्यान देकर बोरीवली में बड़ी पाइपलाइन बिछाकर पानी उपलब्ध कराया। पार्टी ने भी उनके लोकप्रियता और मजबूत निर्णय लेने की क्षमता को देखते हुए बोरीवली विधानसभा की बड़ी जिम्मेदारी दी, जिसको मतदाताओं ने भारी बहुमत के साथ जिताकर सही साबित किया। बोरीवली एक तेजी से बढ़ता और विकसित होता मुंबई का उपनगर बन रहा था। अपने निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा में मुंबई के कई प्रश्नों के लिए आवाज उठाई। एक ओर जन प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आंदोलन भी किए। उन्होंने देश के महत्वपूर्ण राम मंदिर आंदोलन में बतौर कार सेवक भाग लिया था। बोरीवली क्षेत्र के लोगों की एक बुलंद आवाज बने। अपने क्षेत्र के रास्तों की खस्ता हालत ठीक कर यातायात आसान की। ठीक है, गोपाल शेट्टी को तो हम पर्सनल से जानते नहीं हैं, मगर उनका काम करने का तरीका, उनका काम करने का, लोगों से मिलना जुलना इतना अच्छा है कि जैसे कहते पीआरओ जैसे उनके जो असिस्टेंट जो भी है ना, वो भी बहुत अच्छे हैं। हम उनके साथ अभी 15 दिन पहले मिले थे। हमारे रीडेवलपमेंट के बारे में हमारे कुछ प्रॉब्लम था, उन्होंने इमीडिएटली सॉल्व करके दे दिया।
इस तरह का अगर जनता का अगर सहकार्य करने का जो उनका मकसद है, उनका जो ध्येय है, वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। गोपाल जी सबसे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और हमारे सेवा, समाज सेवा के लिए, हमारा वागड़ समाज के लिए, सबके गोपाल शेट्टी के हम लोग ऑफिस में भी जाते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। गोपाल शेट्टी कभी ऐसा ना भी नहीं बोला है कि ऐसा काम नहीं होगा, लेकिन अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों में आम जनता के लिए बिल्डरों के हाथों में जाने वाले कई भूखंड संरक्षित करके बागीचों और युवाओं के लिए खेल के मैदान जैसे पोइसर जिमखाना संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा मैदान, रानी झांसी मैदान, वीर सावरकर उद्यान और कई छोटे मोटे मैदान, बगीचे इत्यादि विकसित किए। इन्हीं कार्यों की वजह से गोपाल जी उद्यान सम्राट से जाने जाते हैं। आगे चलकर महाराष्ट्र सरकार ने उनका ये मॉडल पूरी मुंबई में लागू कर दिया। गोरेगाम थी दहिसर सुधी ईस्ट वेस्ट लोगों नू बहुत सारू काम करे छे अने दरक एरिया एमने डेवलप करेलो छे। इवन नानी सोसायटी होए तो त्यां गणपति के कोई पण फंक्शन होय ई अटेंड करे छे। आनाथी मारे वधारे विषय शू कहेवू, इज अ वेरी ग्रेट मैन अने कोई पण एने चैलेंज नहीं करी सके। आ मारी चैलेंज हूँ तमने कहू छू। बोरीवली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का दो बार उन्हें सम्मान मिला। वक्त बीतता गया, लोगों की और पार्टी की अपेक्षाएं बढ़ती रहीं, गोपाल जी पर और जिम्मेदारियां बढ़ती गई। पार्टी ने उन्हें उत्तर मुंबई सांसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी। गोपाल चिन्नैया शेट्टी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सांसद बनते ही उन्होंने मुंबई प्रवासियों के लिए उपनगरीय रेलवे यातायात के लिए आवाज उठाई और कई परियोजनाओं के लिए जोर लगाया। बोरीवली रेलवे स्थानक का विकास कराने में उनका बड़ा योगदान रहा है। गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेंटर्स का जाल बिछाया। आवश्यकता अनुसार आरोग्य शिविर और रक्तदान शिविरों का आयोजन किया है। समाज के गरीब तबके के लिए 8 डायलिसिस सेंटर शुरू किए। यही मॉडल की तर्ज पर भारत सरकार ने देश भर 3000 डायलिसिस सेंटर शुरू किए। कोविड महामारी के दौरान उनका कार्य प्रशंसनीय रहा। पावन धाम, तिलक नगर, 17 पार्क जैसे जगह जगह छोटे बड़े कोविड अस्पताल निर्माण किए। बिल्डिंग के पार्किंग जगह में ही कोविड सेंटर्स निर्माण कर वहां पर दवाइयां, बेड, वेंटिलेटर्स की उपलब्धि कराई। लोगों के साथ रहकर उन्हें आश्वस्त किया और सुनिश्चित किया कि हर मरीज को अपने घर के पास ही अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधा मिले। श्री गोपाल शेट्टी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में राजनीति का पाठ पढ़ा। उनके प्रति सद्भावना व्यक्त करते हुए उन्होंने कांदिवली में पूर्णकृति प्रतिमा की स्थापना व अनावरण किया। कांदिवली के शताब्दी अस्पताल में महामानव श्री बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पूर्णकृति प्रतिमा स्थापित की। भव्य बाला साहेब ठाकरे खेल का मैदान, श्री प्रमोद महाजन मैदान, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलेगा भारत से बढ़ेगा भारत की अवधारणा से साकार किया गया था। ये ग्राउंड पे पहले हम खाली फुटबॉल नहीं खेल सकते थे, खाली पहले क्रिकेट खेलते थे। अभी गोपाल शेट्टी सर ने ये ग्राउंड अवेलेबल किया है जहाँ पे हम सारे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। उसने बोरीवली, दहिसर, कांदिवली, मलाड में जितना गार्डन बनाया है उतना 50 साल में किसने नहीं बनाया था। कोई भी प्रॉब्लम उसके पास लेके जाएगा तो सॉल्यूशन सही तरह से निकाल के देता है। आ जगह नु जे डेवलपमेंट થયું છે એ બહુ જ ફેન્ટાસ્ટિક થયું છે। बतौर सांसद मुंबई के बोरीवली नेशनल पार्क स्थित ऐतिहासिक धरोहर कान्हेरी गुफाओं को संरक्षित और सुशोभित कर पर्यटकों के लिए सुविधाओं से लैस किया गया। साथ ही बोरीवली के मंडपेश्वर गुफाओं को भी संरक्षित किया गया। आज के भाग दौड़ वाली जीवन में हमारे अपने पुरातन धर्म और शिक्षा कहीं पीछे छूट रहे हैं। युवाओं में संस्कार, प्रचार और शिक्षा हेतु
श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों को 18 सप्ताह में श्री गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। उनका मानना है कि श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा आज भी आधुनिक जीवन शैली में सटीक लागू होती हैं। स्वभाव से जिद्दी गोपाल शेट्टी जी की आदत है कि उन्हें जो पसंद नहीं होता वो सीधे लोगों को बता देते हैं। वहीं दूसरी ओर बचपन से ही अपनी मजबूत निर्णय लेने की क्षमता के कारण वे अपनी राजनीतिक यात्रा को सक्षम रूप से आगे बढ़ाने में सफल रहे हैं। वे संसद में बतौर सांसद अपना राष्ट्रीय कर्तव्य भी उतनी ही सक्षमता से निभा रहे हैं। संसद मुख्य रूप से समय समय पर नए कानून बनाने और पुराने कानूनों में संशोधन करने के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 वर्ष है। वे इसे 21 बनाने के लिए संसद में लड़ रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था। फिलहाल ये संसद की संयुक्त समीक्षा के समक्ष चर्चा के लिए गए हैं। वे इसे स्वीकृत कराने का प्रयास कर रहे हैं। गोपाल शेट्टी जी अब तक संसद में 13 निजी बिल पेश कर चुके हैं। वे हमेशा संसद के कामों में सक्रिय रहते हैं। 2019 में सांसद बनने के बाद उन्होंने संसद में जनहित के 196 सवाल पूछे हैं। वे अब तक 81 विधायी चर्चाओं में हिस्सा ले चुके हैं। वे आवास और वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति पर संसद के समिति के सदस्य हैं। वे इन समितियों के माध्यम से देश के लिए योगदान दे रहे हैं। वे हमेशा न केवल निर्वाचन क्षेत्र बल्कि देश के लोगों के मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं। गोपाल शेट्टी जी अपने जीवन के 55 साल झुग्गी में रहे, इसीलिए स्लम मुक्त मुंबई उनका सपना है। ऐसे सभी क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाले गोपाल शेट्टी जी को अब तक 3 बार संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान केवल गोपाल शेट्टी जी का नहीं बल्कि उत्तरी मुंबई के लोगों का है। वे उत्तरी मुंबई के लोगों के मन में एक आदर्श जन प्रतिनिधि हैं और ये सम्मान उनके लिए बड़ा सम्मान है। गोपाल शेट्टी जी हमेशा कहते हैं कि मैं भगवान और मतदाताओं से ही डरता हूं। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए वे अब तक लोगों के लिए अथक प्रयास करते रहे हैं और आने वाले कई सालों तक लोगों की सेवा करते रहें और ऐसे कई पुरस्कार प्राप्त करें।